date 25th July 2020, class 10, subject maths, topic coordinate geometry, chapter 7, exercise 7.1, date 25th July 2020, class 10, subject maths, topic coordinate geometry, chapter 7, exercise 7.1, date 25th July 2020, class 10, subject maths, topic coordinate geometry, chapter 7, exercise 7.1. Question number 7, exercise 7.1k. Question number 7 है, find the point on the x-axis. x-axis पे point बताने हैं, which is equal distance from, जो equal distance पे है, 0.2, minus 5 and minus 29. वे point जो x-axis पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, 2.2 माइनस 5 एंड माइनस 29 इक्वल डिस्टेंस पे है, तो एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट को बताना है. तो जो दो पॉइंट है, फाइंड points of x-axis, equidistance from, which is equidistance from, distance from minus 2 minus 5 and minus 29. इसका solution कैसे करेंगे? Since the point on x-axis is, since the point on x-axis has its coordinate, इसका ऑर्डिनेट है 0. So px 0 is any point on the x-axis. x-axis में ये कोई पॉइंट है, सिंस px 0 is equidistant from distance from
एंड बी माइनस टू नाइन इस तरह हो जाएगा। पी ए इक्वल टू पी बी और पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर ये हो सकता है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे x माइनस टू होल स्क्वायर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू होल स्क्वायर इसे सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे एक्स एक्स पर ऐसे कट जाएगा x equal to minus 7 the point equidistance from यहाँ पे लिखेंगे the point equidistant from given points on the x-axis is माइनस 7 0। ये तो 7 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ये है क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2 माइनस 3 एंड q tan y इज 10 यूनिट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करना है फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2 माइनस 3 एंड क्या टेन वाई इस 10 यूनिट ये दिया हुआ है। y की वैल्यू फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस जो है दो पॉइंट p 2 माइनस 3 एंड क्या दिया हुआ है 10 वाई इस 10 यूनिट्स। तो इस तरह के सम को कैसे करते हैं आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 2 माइनस 3 सॉल्यूशन
टेन वाइज आर इवन पॉइंट्स, और गिवन पॉइंट्स ऑन दी सच दैट t equal to 10 units. T equal to 10 units, but T equal to under root 10 minus 2 whole square plus 2 का यहाँ पे 10 दिया हुआ है, सोल्व कर लेंगे दोनों साइड पे स्क्वायरिंग दो साइड कर सकते हो, बोथ साइड्स वी गेट 100 बदलेगा, जीरो माइनस करेंगे 27 फैक्टर कर लेंगे इसका प्राइम, इसका कर लेंगे मेरी टर्म स्प्लिट प्लस 9y y कॉमन 3 माइनस 5 प्लस 9 इक्वल टू 0 माइनस 9 प्लस 3 दस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y आर आप लिखोगे possible values of y are minus 9 or 3 ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ये आंसर है। Now come to the point. Question number 9.
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करना है, एक के बाद आया क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, इफ क्यू 01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी 5-3 एंड आर एक्स 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। पहले तो वैल्यू ऑफ X, फिर PR एंड QR का डिस्टेंस। इसमें Q की वैल्यू है 01, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट P 5-3 एंड R X 6, Y की तरह X पहले फाइंड करेंगे उसके बाद आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सिंस द पॉइंट क्यों is equidistant from P 5-3 and R X 6, therefore KOP और QP स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, वैल्यू इसकी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे आप जो जाएगा 25 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 16
एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू हो गया प्लस माइनस फोर, दस आर इज फोर सिक्स और माइनस फोर सिक्स, आर का जो वैल्यू हो गया फोर सिक्स और माइनस फोर सिक्स। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, नाउ ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन वन जीरो 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 वन आर है, एक बार प्लस वाला लेंगे इसमें, इक्वल टू जीरो का होल स्क्वायर वन ऑल्सो टू है डिस्टेंस बिटवीन क्यू जीरो वन एंड आर माइनस फोर सिक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस फोर माइनस जीरो माइनस फोर माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वन सिक्सटीन फोर्टी वन अंडर रूट 41 and we are distance between between फाइव माइनस थ्री एंड आर फोर सिक्स, जिसके साथ इसकी डिस्टेंस वैसे ही अंडर रूट माइनस फोर फाइव सिक्स प्लस थ्री फोर माइनस फाइव होल स्क्वायर सिक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर वन प्लस एटी वन एटी ऑल्सो पी आर distance between
पी फाइव माइनस थ्री एंड आर माइनस फोर सिक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस फोर माइनस फाइव माइनस फोर माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर अंडर रूट 81 इस तरह ये सारे डिस्टेंस फाइंड करना है. पहले एक्स का, एक्स के बाद है बाकी पार्ट का. एक आता है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड माइनस 34. रिलेशन बताना है एक्स वाई में. ये एक्स वाई का जो इक्वल डिस्टेंस पे है 0.36 एंड माइनस 34 पे, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे एक बार 10 भी आप देख लो. क्वेश्चन नंबर 10 में वैसे है, आप कर भी सकते हो. लेट द पॉइंट पी एक्स वाई xy be equidistant from the points 36 and b 3-4. That is PA equal to PB or PA square equal to PB square. आप यहाँ पे लिख सकते हो x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square equal to x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square है. इसे सोल्व कर देंगे. minus 6x plus 9 y square minus 12y plus 36 equal to plus 6x plus 9 plus y square minus 8x plus 16. x x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, फिर है क्या रहेगा इसमें
माइनस सिक्स एक्स माइनस 12y प्लस 8y प्लस 36 माइनस 16 इक्वल टू जीरो जो सॉल्व कर लेंगे, माइनस 12x माइनस 4y जैसे कि इसको साइड में ले जा सकते हो आप, है प्लस 20 इक्वल टू जीरो, माइनस 12x माइनस 4y या तो माइनस 20 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, ना लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस 4 वी गेट नाउ आ जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 5 3x y इक्वल टू 5 और है 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन इस तरह 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। आप अपने फेयर कॉपी में इसे नोट करना, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 7.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट डे हम शुरू करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। आपकी फेयर कॉपी में 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए, किसी का नहीं रहना चाहिए।